नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिक्वायर्ड ब्रिक इन 10 फीट बाय 10 फीट वॉल, यानी कि 10 फीट बाय 10 फीट की वॉल को बनाने में कितनी हज़ार ईंटें लगेंगी, इस वीडियो में हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आप किसी भी एरिया में, यानी कि किसी भी दीवार को बनाने में कितनी ईंट लगेगी, इसका कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो सबसे पहले आप जिस ईंट से दीवार बनाने वाले हो उस ईंट की आपको लंबाई माप लेनी है। तो चलिए हम इस ईंट की लंबाई माप कर देखते हैं कि इस ईंट की टोटल लंबाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद इस ईंट की टोटल लंबाई 9 इंच है। तो 9 इंच हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ईंट की लंबाई मापने के बाद ईंट की विड्थ यानी कि चौड़ाई को आपको माप लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ईंट की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद यहाँ पर ईंट की टोटल चौड़ाई 4.5 इंच है, यानी कि 4.5 इंच है। तो इसी तरीके से आप जो ईंट लगाने वाले हैं उस ईंट की लेंथ और विड्थ यानी कि लंबाई चौड़ाई को माप लेंगे। लंबाई चौड़ाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ब्रिक यानी कि ईंट की थिकनेस मापनी है, यानी कि ईंट की मोटाई आपको माप लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईंट की मोटाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद यहाँ पर ईंट की टोटल जो मोटाई है वो 2.75 इंच है। ब्रिक यानी कि ईंट की थिकनेस को लेकर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। तो ईंट की थिकनेस एरिया के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा होती रहती है। कहीं कहीं पर 3 इंच होती है, कहीं कहीं पर 2.5 इंच होती है, बट हमारे यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2.75 इंच है। तो आप जो ईंट लगाने वाले हो आप उसकी थिकनेस को माप कर लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ईंट की लेंथ ब्रिथ थिकनेस यानी कि लंबाई चौड़ाई और मोटाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको सभी वैल्यू में 0.394 ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हम 0.394 क्यों ऐड कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि ईंट को जोड़ने के लिए हम कुछ इस तरीके से सीमेंट सैंड यानी कि सीमेंट और रेत का मसाला बनाकर कुछ इस तरीके से ईंट को जोड़ते हैं। तो ईंट को जोड़ते समय जिस मसाले का हम उपयोग करते हैं इसकी जो थिकनेस होती है यानी कि मोटाई होती है वो 10 mm यानी कि 1 cm होती है। तो 1 cm को जब आप इंच में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 0.393701 इंच आ गया। तो इसको आप 0.394 इंच लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 0.394 इंच जो है वो मोर्टार यानी कि मसाले की थिकनेस है। तो इसीलिए ईंट की लेंथ ब्रिथ और थिकनेस में 0.394 को ऐड किया जा रहा है। तो आप सभी में ऐड कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप ईंट की लेंथ और मसाले की थिकनेस और ईंट की ब्रिथ यानी कि ईंट की चौड़ाई और मसाले की थिकनेस और ईंट की थिकनेस और मसाले की थिकनेस सभी को आपस में जोड़कर लिख लेंगे, ठीक। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपको 1 ब्रिक वैल्यूम यानी कि 1 ब्रिक का वैल्यूम आपको निकालना है। तो ब्रिक के वैल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, लेंथ यानी कि ब्रिक की लेंथ इंटू ब्रिथ यानी कि ईंट की जो चौड़ाई है उसको आपको लिखना है, इंटू थिकनेस यानी कि ईंट की थिकनेस। तो इन तीनों का आप गुणा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 ब्रिक यानी कि 1 ईंट का टोटल वैल्यूम क्या है। तो चलिए हम इन तीनों वैल्यू को इसी फॉर्मूले पर रखकर गुणा कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल 1 ईंट का वैल्यूम क्या है। तो इसी फॉर्मूले पर हम सभी वैल्यू को रख देंगे तो सबसे पहले लेंथ हो गई इंटू ब्रिथ यानी कि चौड़ाई हो गई इंटू थिकनेस 3.144। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1 ईंट का जो टोटल वैल्यूम आया वो 144.54। इसको हम 3 डिजिट तक ही लिखेंगे तो यहाँ पर हम 3 कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल 1 ब्रिक का जो वैल्यूम है आप देख सकते हैं कि 144.543 क्यूबिक इंच आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यू थी ये इंच में थी, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्यूबिक इंच में आएगी। तो 1 ब्रिक का मोर्टार सहित यानी कि मसाले सहित जो वैल्यूम हुआ 144.543 क्यूबिक इंच हो गया। तो अब इस क्यूबिक इंच को आपको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसी तरीके से ईंट का वैल्यूम क्यूबिक इंच में निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इस क्यूबिक इंच को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर लेना है। तो किसी भी क्यूबिक इंच की वैल्यू को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको 1728 यानी कि 1728 से आपको भाग दे देना है। तो कोई भी
क्यूबिक इंच की वैल्यू जो है वो क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपका फॉर्मूले का है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम इसको डिवाइड यानी कि भाग करके देख लेते हैं कि टोटल कितना क्यूबिक फीट आता है। तो डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 0.08364756694 क्यूबिक फीट आया। बट इस वैल्यू को हम केवल 5 डिजिट तक लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 4 की जगह 5 कर लेंगे, ठीक है, और इतना छोड़ देंगे, ठीक है, तो लमसम वही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन ब्रिक का जो टोटल वैल्यूम है वो 0.08365 क्यूबिक फीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको वाल का वैल्यूम निकालना है यानी कि दीवार का वैल्यूम निकालना है। तो वाल का वैल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रिथ इंटू थिकनेस, यानी कि दीवार की लंबाई चौड़ाई और थिकनेस मोटाई का यदि आप गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस दीवार का वैल्यूम क्या है। तो यहाँ पर दीवार की लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हैं कि 10 फीट बाई 10 फीट है। तो दीवार की लंबाई चौड़ाई हम 10 फीट बाई 10 फीट लिख लेते हैं इंटू दीवार की जो थिकनेस है वो 9 इंच है। आपने सुना होगा कि 9 इंच या फिर 4.5 इंच की दीवार बनाई जाती है, तो यहाँ पर दीवार की जो थिकनेस है वो 9 इंच है। बट यहाँ पर 9 इंच आप नहीं लिखेंगे, 9 इंच को आप फिट में कन्वर्ट करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दीवार की जो लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई है वो फिट में है। तो इसीलिए आपको दीवार की थिकनेस की भी वैल्यू आपको फिट में कन्वर्ट करके लिखनी पड़ेगी। तो किसी भी इंच की वैल्यू को फिट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप उसमें 12 यानी कि 12 से भाग दे देंगे तो वो वैल्यू जो है वो फिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें 9 इंच को फिट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम 9 लिखेंगे डिवाइड बाई 12 कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि 0.75 फिट आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 इंच में 0.75 फिट होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.75 फिट। अब चलिए हम तीनों का गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वाल का टोटल वैल्यूम क्या है। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि वाल का जो टोटल वैल्यूम है वो 75 क्यूबिक फीट है। तो इसी तरीके से वाल का वैल्यूम निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको नंबर ऑफ ब्रिक निकालनी है, यानी कि टोटल कितनी ईंट लगेगी यह आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक निकालने का एक फॉर्मूला होता है WV यानी कि टोटल वाल का वैल्यूम डिवाइड बाई 1BV यानी कि वन ब्रिक वैल्यूम। आप देख सकते हैं कि वन ब्रिक वैल्यूम हमने यहाँ पर निकाला है और इसके साथ साथ टोटल वाल का जो वैल्यूम है यहाँ पर निकालना है। तो इन दोनों वैल्यू को हम इसी फॉर्मूले पर रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितनी ईंट लगेगी 10 फीट बाई 10 फीट की दीवार को बनाने में। तो चलिए लिख लेते हैं WV का मतलब टोटल वाल वैल्यूम। तो आप देख सकते हैं कि 75 आया है। इसके बाद 1BV यानी कि वन ब्रिक वैल्यूम, तो आप देख सकते हैं कि वन ब्रिक का जो वैल्यूम है वो 0.08365 आया। तो चलिए हम डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 10 फीट बाई 10 फीट की दीवार को बनाने में टोटल कितनी ईंटें लग जाएंगी। तो सिंपली आप 75 डिवाइड बाई 0.08365 कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि टोटल 896.59 यानी कि टोटल 897 ईंटें लग जाएंगी 10 फीट बाई 10 फीट की दीवार को बनाने में। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए या फिर मत करिए, अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।